आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट नेशनल और आपके साथ में चेंज सो। सबसे पहले बात करते हैं शिवसेना। शिवसेना के मामले में चुनाव आयोग ने दखल दिया है। दोनों गुटों से नाम चुनाव चिन्ह को लेकर दावा पेश करने को कहा है। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों गुटों को दिए निर्देश, 8 अगस्त तक अपने पक्ष में दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए गए। पिछले हफ्ते शिंदे गुट ने किया था नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा। इसके बाद चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों से दस्तावेज मांगे। कर्नाटक में कांग्रेस के दो प्रमुख नेता सिद्धारमैया और शिवकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार करीब 8 महीने बाद होंगे कर्नाटक विधानसभा चुनाव। ऐसे में दोनों खुद को पेश करना चाहते हैं मुख्यमंत्री पद के दावेदार। 3 अगस्त को बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा सिद्धारमैया का जन्मदिन। मैसूर, गुलबर्ग, हुबली आदि शहरों में समारोह आयोजित किए जाएंगे। दावणगेरे में बड़ी रैली होगी जिसमें राहुल गांधी भी हिस्सा लेंगे। इसके बाद बीजेपी को कांग्रेस के 2 खेमे बनने का इंतजार। राज्यपाल तमिलीसाई सौंदरा राजन ने निभाई चिकित्सक की भूमिका। दिल्ली हैदराबाद फ्लाइट में एक सहयात्री की तबीयत बिगड़ गई। हरिद्वार से वाराणसी लौटकर दिल्ली पहुंची थी सौंदरा राजन। शनिवार सुबह दिल्ली से हैदराबाद लौट रही थी सौंदरा राजन। सुबह 6:29 पर विमान में कृपानंद त्रिपाठी की तबीयत खराब। एयर होस्टेस ने शुरू की विमान में किसी डॉक्टर की तलाश। सौंदरा राजन ने किया कृपानंद त्रिपाठी का प्राथमिक उपचार। अतिरिक्त डीजीपी रैंक के आईपीएस अधिकारी हैं कृपानंद त्रिपाठी। तेलंगाना की राज्यपाल हैं तमिलीसाई सौंदरा राजन और त्रिपाठी ने कहा, मैडम गवर्नर ने मेरी जान बचा ली। मध्यम वर्गीय लड़की ने 20 साल में कमाई इतनी दौलत। बेलघरिया के दीवानपाड़ा में एक छोटे घर में रहती थी अर्पिता। अर्पिता मुखर्जी ने नेल आर्टिस्ट के रूप में नाम कमाया। कुछ वक्त पहले नकताला उद्यान संघ की पोस्टर गर्ल बनी अर्पिता। ऋतु अपर्णा सेन गुप्ता की जगह अर्पिता को बनाया गया था पोस्टर गर्ल। नकताला उद्यान संघ के संरक्षक थे पार्थ चटर्जी। मॉडलिंग के साथ अर्पिता मुखर्जी ने फिल्मों में भी भूमिका निभाई। आज कोलकाता में अर्पिता के 3 नेल आर्टिस्ट शोरूम हैं, कई फ्लैट हैं, अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस भी चलाती हैं अर्पिता मुखर्जी। टोलीगंज फ्लैट से 21.2 करोड़ रुपए नगद मिले हैं। 79 लाख रुपए के आभूषण मिले हैं। 54 लाख रुपए की विदेशी करेंसी भी मिली और इसके अलावा 22 मोबाइल फोन बरामद हुए। शिक्षा विभाग में भर्ती घोटाले के सिलसिले में ईडी ने छापा मारा और ये भर्ती घोटाला 2016 का। वही मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे पार्थ चटर्जी 50 साल से राजनीति में हैं। 69 साल की उम्र में ईडी ने रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। शिक्षा मंत्री रहते हुए भर्ती घोटाले में पार्थ चटर्जी का नाम आया था। ममता बनर्जी के विश्वस्त बेहाला पश्चिम के विधायक हैं पार्थ चटर्जी। मुकुल रॉय के तृणमूल छोड़ने के बाद बढ़ा पार्थ चटर्जी का महत्व। तृणमूल कांग्रेस के लिए ट्रबल शूटर माने जाते थे पार्थ चटर्जी। अब पार्थ चटर्जी से दूरी बना रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के नेता, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस भी इस मुद्दे पर 2 खेमों में बटी हुई है। एक खेमा वो है जो चाहता है कि पार्थ चटर्जी के सपोर्ट में तृणमूल कांग्रेस खड़ी रहे, जबकि दूसरी तरफ वो यंग ब्रिगेड है जो चाहती है कि तृणमूल कांग्रेस पार्थ चटर्जी के खिलाफ एक्शन। गोल्ड तस्करी की आरोपी सुपना सुरेश ने लगाया आरोप। पूर्व मंत्री मापा का नेता जलील ने यूएई सरकार को लिखा था पत्र। पत्र में की थी मलयालम दैनिक माध्यमम पर रोक लगाने की मांग। सुपना सुरेश ने केरल हाईकोर्ट में पेश हलफनामे भी आरोप लगाए हैं। केटी जलील ने माना कि उन्होंने यूएई सरकार को पत्र लिखा, लेकिन बंद करने के लिए नहीं, अखबार पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर पत्र लिखा गया।
पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा में धांधली ठीक नहीं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने 7 आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया और कहा कि इस तरह की धांधली से पैदा हो सकती है अराजकता। परीक्षा के बाद ओएमआर शीट के साथ छेड़छाड़ बेहद गंभीर है। चयन प्रक्रिया से जुड़े लोग ही ऐसा करें तो ये ठीक नहीं। मेघालय में एक नेता के फार्म हाउस पर पुलिस का छापा। बर्नार्ड एन मारक रिंपू का बताया जा रहा तुरासित फार्म हाउस। मलयालम बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं बर्नार्ड एन मारक रिंपू। पुलिस ने फार्म हाउस से 73 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक फार्म हाउस पर चल रहा था देह व्यापार। रिंपू ने किया आरोपों का खंडन और कहा कि ये एक राजनीतिक साजिश है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस साजिश को रचा गया। और अब बात करते हैं, कश्मीरी उग्रवादी यासीन मलिक ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। तिहाड़ जेल में शुक्रवार से भूख हड़ताल पर है यासीन मलिक। दिल्ली की विशेष एनआईए अदालत ने दोहरी उम्र कैद की सजा सुनाई है। मलिक ने लगाया मामले के ठीक से जांच नहीं करने का आरोप। यासीन मलिक को यूएपीए के तहत सजा सुनाई गई। भारत को सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर सप्लाई करने वाला देश रूस। अप्रैल जून में रूस से 7.74 लाख टन फर्टिलाइजर का आयात हुआ है। भारत का कुल फर्टिलाइजर आयात 36.4 लाख मेट्रिक टन। इसे रूस से हुआ 20 फीसदी से ज्यादा फर्टिलाइजर का आयात वैश्विक कीमतों में 10 फीसदी सस्ता है रूस का फर्टिलाइजर। और इस दौरान मार्च के महीने में इंडोनेशिया से जो फर्टिलाइजर आना था वो चीन में ज्यादा दाम मिलने की वजह से उधर चला गया। तो एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि रूस ने 20 फीसदी फर्टिलाइजर भारत को दिया 10 फीसदी कम दाम। भोजपुरी गानों में जाति का तड़का बन रहा है एक नया चलन। नंदवंशी की राज चली, पंडित जी की राज चली, चौहान जी की राज चली, सहनी जी की राज चली, मियां जी की राज चली, कोइरी की राज चली। इन दिनों मशहूर है 1.5 दर्जन से ज्यादा भोजपुरी गीतों के शीर्षक। पिछले 6 महीनों से खूब चल रहे हैं इस तरह की कई भोजपुरी गीत जो करते हैं अलग अलग जातियों का राज कायम करने की घोषणा। इन अश्लील गीतों के लिए मशहूर भोजपुरी गीतों का नया चलन शुरू हो गया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की अजब गजब रणनीति। अन्य पार्टियों के लोगों को बीजेपी में लाने में प्रमोद सावंत को महारत। 2019 से 2022 के दौरान विपक्ष के 28 विधायकों को बीजेपी में लाए हैं। जुलाई में थी कांग्रेस के 11 में से 8 विधायकों को बीजेपी में लाने की तैयारी, लेकिन सिर्फ 5 कांग्रेस विधायक हुए बीजेपी में आने के लिए तैयार। कुछ लोग कहते हैं प्रमोद खुद फेल होने देना चाहते थे ऑपरेशन लोटस। अपने आलोचकों को चुप रखने के लिए ये थी प्रमोद सावंत की रणनीति। कभी कभी भविष्य की सफलताओं के लिए वर्तमान में असफल होना भी जरूरी है। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश को कांग्रेस मुक्त करना बीजेपी के लिए मुश्किल नजर आ रहा है। कमल के क्षेत्र में मुरझा गया कमल। छिंदवाड़ा में सभी महत्वपूर्ण पदों पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीते। छिंदवाड़ा से विधायक हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। छिंदवाड़ा के सांसद हैं कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ। छिंदवाड़ा के अन्य 6 विधानसभा क्षेत्रों में भी कांग्रेस की ही बढ़त। 17 जुलाई को छिंदवाड़ा के महापौर बने कांग्रेस के विक्रम सिंह अहकेरिये 22 साल बाद। जिला पंचायत अध्यक्ष पद भी कांग्रेस को मिलने की संभावना।